हेलो। तो दोस्तों, मधुबनी स्टडी सेंटर में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया अपडेट के साथ आप लोग के बीच आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे कुछ दिन पहले एक वीडियो बना था, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग से रिलेटेड जो वैकेंसी आने वाला था। तो वैकेंसी तो अभी नहीं आया, बाकी इसका कुछ अपडेट है जो कि बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो इससे पहले जो है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रहिए जो कि मधुबनी स्टडी सेंटर के नाम से मिलेगा। तो टेलीग्राम पे जाना है और सर्च मारना है, वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च मारना है मधुबनी स्टडी सेंटर। यहाँ से ज्वाइन होकर के रहिए ताकि हर एक पीडीएफ फाइल नोटिफिकेशन जो भी आता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप अधिक से अधिक अपडेट पा सकते हैं। तो देख लीजिए, आज का जो अपडेट है वो लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग से रिलेटेड है। इसका अपडेट जानने से पहले, आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको जीके जीएस का जो है बहुत ही वहाँ पर इम्पोर्टेंट महत्व होता है। तो अगर आपको जीके जीएस का क्लास चाहिए तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आपको 24HRS स्टडी सेंटर के नाम से मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आइएगा तो वहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा मिशन जीके जीएस का, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। उसका रेट रखा गया है मात्र 999 रुपया। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, कूपन कोड SK1010, तो आपको तुरंत में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और वह समथिंग 900 रुपया का जो है ये आ जाएगा। तो ज्वाइन करना अगर होगा तो यहाँ से आप लोग जाकर के प्ले स्टोर पे 24HRS स्टडी सेंटर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप लोग जो है हर एक अपडेट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वैकेंसी की ओर और देख लेते हैं आज का जो अपडेट है कि लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग से जो वैकेंसी देखने को मिला है वो सबसे पहले जान लीजिए कि ये आउटसोर्सिंग वैकेंसी है। आउटसोर्सिंग वैकेंसी है, ये आउटसोर्सिंग वैकेंसी है तो कंपनी के थ्रू होने वाला है। इनका अभी जो है टेंडर किनको मिलता है, किस कंपनी को, वर्क ऑर्डर कब जारी होता है, तो जैसे ही अपडेट आएगा आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो नोटिफिकेशन में टर्म एंड कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, ये संकल्प होता है जो कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में होता है, तो क्या कैसे इसमें संकल्प लिया गया वो देख लेते हैं। और ये जो है बहुत बड़ा अपडेट है जो कि बिहार जेई से रिलेटेड है। बिहार जेई में आपको BTSC का भी अपडेट नहीं आया, BTSC जेई का भी बहुत ही जल्द नया खबर मिलने वाला है। तो इससे पहले जो इसमें देख लीजिए, एलिजिबिलिटी जो है क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, इसमें अगर आप सिविल से किए या बीटेक है तो आप इनके लिए जो है जरूर एलिजिबल होंगे। तो बढ़ते आगे नोटिफिकेशन की ओर और देख लेते इसमें क्या क्या अपडेट दिया गया है। तो ये रहा, देख लीजिए, बिहार सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जो संकल्प लिया गया वो क्या क्या संकल्प है इसमें वो जानने का कोशिश करेंगे। विषय में देख लीजिए दिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं कार्यक्रम के समसामयिक क्रिया विनय पर्यवेक्षण एवं अनुसरण के नियमित असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा समकक्ष योग्यता प्राप्त तकनीक मानव बल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में कुल 350 तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक वर्ष के लिए अथवा कनीय अभियंता सैनिक के पद पर नियमित नियुक्ति जो पहले हो तक प्राप्त किए जाने एवं उस पर होने वाले अनुमति वार्षिक व्यय मतलब 13,25,73,000 रुपया जो है स्वीकृति किया गया है। तो इसमें एक बात तो है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 350 देखने को मिल रहा है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें 1 ईयर का होने वाला है। जब तक इस पे नियमित वैकेंसी ना आ जाए तब तक इस पे आप काम कर सकते हैं।
एक ईयर्स के लिए अथवा कनीय अभियंता श्रेणी के पद नियमित नियुक्ति जो पहले हो जाए उस हिसाब से इनको इसमें से हटाया जाएगा या तो रखा जाएगा उस हिसाब पे। तो इन पे जो वार्षिक का जो खर्च बताया गया है 13,25,73,000 रुपये का स्वीकृति इसमें प्रदान कर दिया गया है। ये आउटसोर्सिंग से होगा, कंपनी के थ्रू होगा, कंपनी के थ्रू होगा। तो अभी इसमें किस कंपनी को मिलेगा, क्या होगा टेंडर, तो ये सारा चीज अभी अपडेट जैसे ही आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा। और आगे बढ़ के हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या और संकल्प में दिया गया। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित योजना का सूत्रण निरूपण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। तो पेयजल का जो है स्वच्छता के लिए जो है इनमें इसका जो है क्या क्या क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एक गुणवत्ता और गुणवत्ता केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन राज्य योजना नगर विकास एवं आवास विभाग से जमा शीर्ष के रूप में प्राप्त कार्य एवं वाहित संपोषित योजना के तहत वृहद पैमाने पर जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित योजना का क्रियान्वयन करना। तो स्वच्छता से और जलापूर्ति को कमी को देखते हुए इनके द्वारा जो है योजनाओं का क्रियान्वयन, तो इस विभाग योजना के तहत जो भी कार्य होता है उनके लिए जो है ये 350 कनीय अभियंता का जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली किया जाएगा। दूसरा नंबर में दिया गया है मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता और गैर गुणवत्ता अंतर्गत विभाग के द्वारा कुल 56,447 वार्ड में हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ नगर निकाय एवं विभाग महत्वपूर्ण सरकारी भवनों इत्यादि शुद्ध पेयजल ग्रामीण क्षेत्र में आयम सेकेंड और थर्ड एवं साधारण चापाकल के निर्माण हेतु मरम्मत संशोधित दायित्व भी विभिन्न विभाग के ऊपर है। तो इन विभाग के ऊपर जो है चापाकल से रिलेटेड और निश्चय जो हर घर नल जल योजना का उससे रिलेटेड कार्य जो होता है वो सारा कार्य इसमें सम्मिलित है। तो थर्ड नंबर में देख लेते हैं मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना 2 के तहत सभी जलापूर्ति योजना का सतत अनुरक्षण रख रखाव एवं संचालन करते हुए सभी ग्रामीण परिवार एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति निश्चय कराने की दायित्व सौंपा गया है। तो हर घर में जो शुद्ध जल का जो है पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया है इसके लिए साथ ही पंचायती राज विभाग में नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्ड क्रियान्वयन जलापूर्ति योजनाओं के तहत संचालन एवं रख रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किए जाने का फलस्वरूप विभागीय कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई है। तो ये जो है पंचायती राज विभाग का भी जो काम यहाँ से इसमें सम्मिलित है। और देख लीजिए विभागीय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रशाखा स्तर पर क्रियान्वयन पर्यवेक्षक एवं अनुसरण हेतु बिहार अवर अभियंता संवर्ग के असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा समकक्ष योग्यता प्राप्त कनीय अभियंता असैनिक के कुल 826 स्थायी पद स्वीकृति है। तो 800 टोटल इसमें 826 पोस्ट है जिसमें से मात्र 62 कनीय अभियंता नियमित रूप से कार्यरत है। तो 826 टोटल पोस्ट है जिसमें से 62 ही अभी तक जो है नियमित रूप से काम कर रहे हैं, बाकी पोस्ट पे आउटसोर्सिंग के द्वारा बहाली किया जाएगा। कार्यरत है शेष 764 पद रिक्त हैं। अभी अस्थायी रिक्त पद के विरुद्ध कुल 153 संविदा कार्यरत है। इस प्रकार से जो है असैनिक अभियंता डिप्लोमाधारी प्राप्त तकनीक मानव बल की अधिकता कमी है। तो बहुत सारा विभाग में जो है मानव बल का कमी है जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी पूरा होने वाला कनीय अभियंता का। तो इसके आगे देख लीजिए 5 नंबर में क्या दिया गया हो, यद्यपि कनीय अभियंता के रिक्त के आलोक में अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना को प्रेषित की गई है, परंतु उक्त रिक्त में विरुद्ध नियमित नियुक्ति का मामला कनीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण विलंबित की संभावना है। तो अभी BTSC JEE का जो ये कुछ अपडेट आने वाला था तो वो विलंब होने के कारण जो ये आउटसोर्सिंग से वैकेंसी को जो है रखा गया, क्लियर करवाया जाएगा। 6 देख लीजिए इसमें बताया भी जा रहा है कि इसमें जो है मैटर फंसा हुआ है, इस लेकर के जो अभी इस पोस्ट पे वैकेंसी आउटसोर्सिंग से करवाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्य हित में सेवा प्रोवाइडर एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर तकनीक पर्यवेक्षक के रूप में मानव बल की सेवा संलग्न परिष्ट क के उल्लेखित शर्त बंधकों के तहत प्राप्त की जाएगी। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से किस कंपनी को मिलेगा तो इस हिसाब से उसमें जो है उन लोगों के बीच में टर्म एंड कंडीशन होगा, उस कंडीशन के हिसाब से आपको जो उसमें सेवा मतलब कि
मानव बल प्रोवाइड करवाने का जो अनुमति उसमें मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर में बताया जाएगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल के रूप में सेवा प्राप्त होने वाले तकनीकी पर्यवेक्षक का मानदेय, तो इसमें सैलरी का भी बात किया गया है। सैलरी सैलरी इसमें आपको समथिंग 25,000 रुपया प्रोवाइड करवाया जाएगा, 25,000 प्रतिमा निर्धारित कराने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये सारा जो इसमें टर्म एंड कंडीशन 8 नंबर में देख लीजिए, उक्त प्रावधान के तहत 350 कनीय तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा आउटसोर्सिंग के आधार पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 1 वर्ष अथवा कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति जो पहले हो तक के लिए प्राप्त की जाएगी। इसकी आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार अवधि विस्तार भी किया जा सकेगा, जिस पर कुल 350×12×25,000 मतलब 10,50,00,000 रुपये प्लस का 7% सेवा शुल्क 73,50,000 प्लस जो है 18% GST, तो 2,02,23,000 कुल मिला के 13,25,73,000 रुपये मात्र आवर्ती रूप प्रतिशत में वार्षिक व्यय संभावित है। तो वार्षिक व्यय जो उसमें खर्चा होने वाला है 73,25,73,25,73,000 रुपया जो इसमें टोटल वार्षिक व्यय बताया जा रहा। उसके बाद 9 नंबर में इस योजना का कार्य क्षेत्र राज्य के गुणवत्ता प्रभावित और गैर गुणवत्ता प्रभावित सभी जिले होंगे, तो सभी जिले के लिए जो है इसमें इंक्लूड होगा पोस्ट कहाँ कहाँ क्या खाली है। 10 नंबर में देख लीजिए, उक्त पद में होने वाले अनुमानित वार्षिक अवर्त व्यय मानदेय पारिश्रमिक सेवा शुल्क GST सहित कुल इतना जो 13,25,73,000 मात्र अकलित है। यह राशि विभिन्न कार्यालयों को स्थापित अंतर्गत मांग संख्या 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग संख्या शीर्ष 22-15 उपमुख्य शीर्ष 1 जल आपूर्ति लघु शीर्ष 102 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम उपशीर्ष 000002 हस्ताचलित ट्यूब बैलेंस तालाब एवं कुएं उच्च प्रभावित नलकूप व्यावसायिक सेवा 28-2 संविदा सेवा विपत्र कोड से प्रभावित होगा। ये सारा इसमें जो है संकल्प लिया गया क्या क्या इसमें काम करना है, किस विभाग को कितना जाना है, ये सारा चीज इसमें बताया गया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है, किस कंपनी को टेंडर मिला है, कब से ये काम स्टार्ट होगा, कब से इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम इसी प्रकार से नया नया अपडेट आप लोग के बीच लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए यही था बिहार JEE से रिलेटेड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।